इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, ये चीज क्या है, ये आइटम आखिर है क्या? ये तो अभी खुला, अभी पता चला कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है, ऐसे भी पैसे की वसूली हो सकती है जो कि अभी की गई है। लखनऊ जनता से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप रोजगार के पीछे भागिए, फ्री के पीछे मत भागिए। अगर इनको शहीदों के नाम पे अगर वोट मांगने थे, इससे गंदी राजनीति कभी नहीं हो सकती। गायों के लिए प्रोजेक्ट था इनका, वो पूरी तरह फेल हो चुका है। शुरू में इन्होंने दिखाया कि हम गायों के लिए ये कर रहे हैं, पशुओं को ये कर रहे हैं, कोई पशु प्रेमी नहीं है, यकीन मानिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, जब से लोकसभा चुनाव को लेकर के बिगुल बजा है, सभी पार्टियां लगातार जमीनी स्तर पर वर्क करना स्टार्ट कर दी हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 80 लोकसभा सीटें हैं, 3 गठबंधन, एक तरफ अपना दल कमीरावादी और AIMIM का गठबंधन, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और तीसरी तरफ NDA गठबंधन, तीनों लगातार जमीनी स्तर पर बात कर रही हैं कि मजबूती उन्हीं की है। लेकिन चौथी तरफ अगर बात की जाए तो बसपा लगातार ग्राउंड स्तर पर वर्क करने की बात कर रही है। और अगर पिछले लंबे समय की अगर बात की जाए, इन 10 सालों के कार्यकाल की अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के, तो अगर सोशल मीडिया को देखते हैं तो वहां बसपा नहीं दिखाई देती, लेकिन जमीनी स्तर पर सभी समर्थक बसपा के कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर्स हैं और लगातार वर्क करते रहे हैं। लगातार टारगेट किया भारतीय जनता पार्टी को मायावती ने, आपने ट्विटर हैंडल्स पर देखा, और अभी देख रहे हैं आकाश आनंद लगातार जो रैलियां कर रहे हैं, मंच से संबोधन करते समय लाल टोपी को टारगेट करते हुए नहीं थकते और साफ तौर से कह रहे हैं कि बसपा के जो भी समर्थक थे, जिनकी बात होती रही है कि टूटा है, वो आज तक के मजबूत है और मजबूती के साथ मायावती के साथ में है। हमारे साथ इस समय बात करने के लखनऊ लोकसभा के प्रत्याशी सरवर मलिक साहब है, हम बात करेंगे और जानेंगे समर्थन कैसा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सामने प्रत्याशी जो आपके हैं भारतीय जनता पार्टी से, राजनाथ सिंह हैं, एक कड़ी टक्कर है, क्या कहेंगे, कैसा माहौल देख रहे हैं अभी? देखिए, हमारा माहौल तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखिए बहुजन समाज पार्टी का, हम लोग की पार्टी सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय की बात करती है, ना किसी हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई की बात करती है। ये बात शायद सभी को मालूम है। रही बात टक्कर की, राजनाथ सिंह लड़े चाहे कोई भी लड़े, जो भी मैदान में आता है वो जीतने के लिए आता है। मैं खुद भी, मुझको बहन जी का आशीर्वाद मिला है, बहन कुमारी मायावती जी का, उन्होंने आशीर्वाद दे के भेजा है और हमको जीत के लिए भेजा है, हारने के लिए नहीं भेजा है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। राजनाथ सिंह भी सामने मैदान में उतरेंगे, उनकी भी रैलियाँ काफिले निकलेंगे, आप भी निकल रहे हैं पब्लिक के बीच में, जिनको टक्कर दे रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, क्या मैसेज दे रहे हैं उनको? मैसेज यही देना चाहेंगे, 10 सालों में भाजपा ने क्या किया, चाहे बेरोजगारी पे बात करें, चाहे शिक्षा बात करें, चाहे भ्रष्टाचार पे बात करें, आप सभी को मालूम है 10 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी की है। इस जुमलेबाजी से अब की बार जनता बिल्कुल जागरूक हो चुकी है, उसको कहाँ वोट देना है, कैसे वोट देना है उसको बेहतर मालूम है। उनके बाद मान लिया बहुत बड़ा बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क है, मान लिया TV है, TV चैनल्स हैं उनके पास, रेडियो है, अखबार है, सब में ऐड निकाल रहे हैं, सब में प्रचार कर रहे हैं, उससे जनता का मन नहीं बदलेगा। एक बात और करें, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी हैं, पुलवामा अटैक हुआ था, शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से, अगर बात की जाए शहीदों का नाम लेकर के उन्होंने वोट मांगा, जीत भी गई, सत्ता में आ चुकी है, लेकिन पुलवामा अटैक को लेकर के अभी तक की कोई भी बात नहीं हुई। आप भी लखनऊ लोकसभा के प्रत्याशी हैं और यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी से राजनाथ सिंह है वो रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, इसको लेकर के क्या बात होती उस अटैक की, जिसकी जांच आज तक नहीं हुई? देखिए, ऐसा है ना, मैंने बताया ना, ये जुमलेबाजी करते हैं। अगर इनको शहीदों के नाम पे अगर वोट मांगने थे, इससे गंदी राजनीति कभी नहीं हो सकती। चाहे वो माननीय प्रधान जी ने मांगा हो, प्रधानमंत्री जी ने मांगा हो, चाहे हमारे राजनाथ सिंह जी ने मांगा हो, शहीदों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो बेचारे शहीद हो गए हमारे देश पे और उस पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, और अगर राजनीति कर रहे थे चलो ठीक है, उसके बावजूद भी इन लोगों ने अभी तक उसकी जांच पूरी क्यों नहीं की है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, जनता को ये बात सोचनी चाहिए। एक बात और है, इलेक्टोरल बॉन्ड इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, बीफ बेचने वाली कंपनियों से चंदा लिया गया, हेडलाइंस है तमाम अखबारों की, पाकिस्तान से चंदा लिया गया हेडलाइंस हैं, और अगर इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो केजरीवाल हिस्सा है, आम आदमी पार्टी उनका हिस्सा है, मुख्यमंत्री तक को जेल भेज दिया गया, लेकिन
जिस शराब घोटाले की बात की जा रही है उन्हीं कंपनियों से चंदा लिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। लेकिन बसपा एक ऐसी पार्टी है, आकाश आनंद कहते नहीं थकते कि बसपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं लिया, तो बिना चंदे के चुनाव नहीं होता है। कैसे हैंडल कर रहे हैं, काफ़ी टफ होगा इस समय आपके लिए भी। देखिए ऐसा है ना कि हमारे वहाँ जो भी चंदे की आप बात करते हैं, या 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये, हम लोग जो कार्यकर्ता हैं घर घर जाके पैसे लाते हैं, प्रॉपर रजिस्टर बनता है उनका और हम लोग उससे ही चुनाव लड़ते हैं। धन्ना सेठू की तरह इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की तरह हम लोग पैसा नहीं लेते। ये तो जनता को मालूम ही नहीं था इलेक्ट्रिकल बॉन्ड ये चीज़ क्या है, ये आइटम आखिर है क्या। ये तो अभी खुला, अभी पता चला कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है, ऐसे भी पैसे की वसूली हो सकती है, जो कि अभी की गई है। मतलब कमाल की बात है ये तो। लेकिन इस पर क्या कहेंगे, पाकिस्तान से जो चंदा लिया गया, जिसको हमेशा से मोदी जी टारगेट करते रहे, लाल किले के प्राचीर से भी टारगेट किया गया है, बीफ बेचने वाली कंपनियों से भी चंदा लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है गायों को लेकर के, गौशाला का। तो क्या कहेंगे, मन में क्या आता है आपके, आप भी प्रत्याशी हैं और आप भी नेता हैं, क्या कहेंगे अपनी जनता से इसको लेकर के। देखिए जनता से हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो जो गायों के लिए प्रोजेक्ट था इनका, वो पूरी तरह फेल हो चुका है। शुरू में इन्होंने दिखाया कि हम गायों के लिए ये कर रहे हैं, पशुओं के लिए ये कर रहे हैं। कोई पशु प्रेमी नहीं है, यकीन मानिए। अगर दिल में पशु प्रेम होता, इन लोग के गाय के प्रति प्रेम होता, ये लोग बहुत कुछ कर सकते थे। शासन के पास, सत्ता के पास सब कुछ ऐसा होता है, इंफ्रा ऐसा होता है जो ये लोग सब चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं बनाई। रही बात पाकिस्तान से पैसे आ रहे, जांच का विषय, इसकी जांच पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, क्या जनता का भी प्रश्न है, आपके क्षेत्र की जनता का भी प्रश्न है। आप तो फील्ड पर निकल रहे हैं, मायावती अभी तक के फील्ड पर नहीं दिखाई दी, क्या आगे आने वाले समय में आपके साथ एक मंच पे एक साथ सब बसपा सुप्रीमो को भी आपके साथ देखा जाएगा, क्या फील्ड पर आने वाली है? बहन जी आज से फील्ड पर निकल चुकी हैं, आज बहन जी नागपुर में हैं, आज से निकल चुकी। उनकी टोटल हिंदुस्तान में 40 रैलियाँ होंगी, उस रैली का एक हिस्सा लखनऊ भी बनेगा। आप रहेंगे मंच पे? मैं बिल्कुल रहूँगा, माननीय बहन जी का आशीर्वाद है, बहन जी ने अपने साथ रखा है। सारे प्रत्याशी जो भी हम लोग के, वो सब मंच पे रहेंगे 80-80। एक प्रश्न और है, गाँव में भी मैं जाता हूँ, पीडीए का एक बड़ा नारा अखिलेश यादव ने दिया, पीडीएम का नारा AIMIM और पल्लवी पटेल के गठबंधन ने दिया। लेकिन अगर पीडीए की अगर बात की जाए या पीडीएम की बात की जाए, तो बड़ी नेता मायावती ही रही हैं और आप बसपा से प्रत्याशी हैं लखनऊ लोकसभा से, तो ये जो फॉर्मूला जो निकाला गया है, क्या ये वोट बैंक जो तोड़ने की जो बात हो रही, क्या तोड़ पाया है, कहीं तक कारगर साबित हुआ, या आप लोग चढ़ गए हैं उनके ऊपर? देखिए कोई नहीं तोड़ पाया है, बहन जी का कद, बहन जी का नाम, सारी चीज़ें बहुत बड़ी हैं इन लोग के आगे, ये बात सभी लोग जानते हैं। वो कैसी हैं, वो कहने पे नहीं करने में विश्वास रखती हैं। सारी पार्टियां मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं, आपको मालूम है, कल भी शायद अखिलेश यादव ने, हाँ सापा ने मैनिफेस्टो जारी किया। हम लोग का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, हम लोग करने में विश्वास रखते हैं, हमारी बहन जी करने में विश्वास रखती, कहने में विश्वास नहीं रखती हैं। और झूठ बोल के मैनिफेस्टो बना के फिर उस पर काम ना करें, ऐसा काम मेरी बहन जी का नहीं है। लखनऊ लोकसभा में क्या कुछ कमियां अभी आपको दिख रही है जो आप जीतने के बाद करेंगे? देखिए कमियां तो बहुत है, अगर आप ये कि ये बोल दे रोड बना दिए, फ्लाईओवर बना दिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। लखनऊ के जो भी गलियों में जो भी लोग रहते हैं, जो हाथ के कारीगर हैं, यकीन मानिए उनके पास बेरोजगार नहीं था, कोरोना में उनकी हालत बहुत बुरी थी। आप लखनऊ जनता से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप रोज़गार के पीछे भागिए, फ्री के पीछे मत भागिए। और अगर मैं जीत के आता हूँ, मैं वादा करता हूँ आपको यहाँ पे रोज़गार के बहुत बहुत साधन उपलब्ध कराऊँगा, और आप करा सकते हैं, आप कर सकते हैं, अगर करने पर आए तो आप यकीन मानिए कर सकते हैं। लखनऊ लोकसभा की ही बात की जाए तो यहाँ पे एक ऐसा तबका भी रहता है जिसको बाहर रोजगार करने के लिए जाना पड़ता है, बेंगलोर तक जाते हैं, दिल्ली तक जाते हैं। क्या उस आईटी सेक्टर, मैंने बात किया आईटी सेक्टर की बात होती है, क्या आईटी सेक्टर की स्थापना होगी? क्योंकि आपको यहाँ, आपका ये इंटरव्यू बेंगलोर से भी लोग बच्चे देख रहे हैं, दिल्ली से भी देख रहे हैं, मुंबई से भी देख रहे हैं, जो यहाँ से निकल करके बाहर जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर मैं जीतता हूँ या बहन जी की हमारी सरकार आती है, अब यकीन मानिए आईटी हब अगर ना बना दिया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को, तो आप नाम बदल दीजिएगा, आप नाम बदल दीजिएगा। हमें बहन जी का बहुत डीम है, बहुत डीम है बहन जी का, किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लखनऊ छोड़ के उत्तर प्रदेश छोड़ के, सबको अपने घर में रहना पड़ेगा, अपनी घर की रोटी खानी पड़ेगी, अपने माँ बाप से रहना पड़ेगा, उनको उतना ही प्यार मिलेगा। बिल्कुल, आखिरी में अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे? सब एक हो जाओ, बहन जी का साथ दो, उनको प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प सब लोग ले लो,
इधर उधर की बातों में मत रहिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, इधर उधर की बातों में मत रहिए। सरवर मलिक साहब हमारे साथ थे, एक बड़ा वादा कर दिया है कि आईटी हब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनेगा अगर जीत के आते हैं तो, अगर प्रधानमंत्री मायावती बनती हैं। लगातार आप देख रहे समर्थकों से बात हो रही है और साफ कह रहे हैं कि निर्णायक की भूमिका में कहीं ना कहीं मायावती ही रहेंगी। बीते समय में मैंने इंटरव्यूज़ तमाम सारे किए, ओम प्रकाश राजभर जिस समय एनडीए का हिस्सा नहीं थे लगातार कहते रहे हैं कि मायावती प्रधानमंत्री बननी चाहिए, लेकिन जैसे ही पलटते हैं उसके बाद तमाम सारी बातें होती हैं आप देख रहे हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर कोई एकला चलो के फॉर्मूले पे अगर आगे बढ़ा है तो वो मायावती हैं। सारे गठबंधन एक तरफ और मायावती एकला चलो के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही हैं। 80 लोकसभा सीटों पर ये तक बात होती है कि धीरे धीरे प्रत्याशी सभी घोषित हो जाएंगे और आने वाले समय में पता चलेगा क्या कुछ होता है। फिलहाल राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ के खिलाफ एक बिगुल बज चुका है और आगे आने वाले समय में ये भी पता चलेगा क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।